नमस्कार, इंडिया खबर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय जेल में भी प्रेम का पर्व और रंगों का त्यौहार उत्साहपूर्वक कैदियों ने मनाया। इस दौरान जेल प्रशासन ने सभी कैदियों को होली के पर्व की शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही केंद्रीय जेल में पहुंची बहनों ने अपने भाइयों को तिलक लगाया। इसके साथ ही केंद्रीय जेल में इस बार सुरक्षा के व्यापक इंतजाम भी देखने को मिले। हम लोगों ने आज भाई दूज के होली के पर्व पर बहुत सुरक्षा के बहुत पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं और साथ में जिला प्रशासन एसपी साहब के द्वारा दिए गए फोर्स के द्वारा बहुत 3 चेकिंग पॉइंट बनाए हुए हैं, जिसमें महिलाओं की सख्ती तलाशी ली जा रही है। कोई भी इलीगल सामान जेल के अंदर अलाउ नहीं किया है। 100 ग्राम मिठाई जो है वो दी जा रही है और मुलाकात जारी है। थोड़ी भीड़ ज़्यादा हो रही है। वर्तमान में लगभग 10,000 महिला आ चुकी हैं। अब आगे देखिए क्या प्रोसेस चलता है। ये लगभग 3-4 बजे तक मुलाकात चलेगी। भीड़ लगभग बढ़ रही है काफी माता। होली सकुशल संपन्न कराने के बाद शुक्रवार को पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों ने होली मिलन समारोह मनाते हुए एक दूसरे को रंग से सराबोर किया और गले मिलकर होली के पर्व की बधाई दी। इसके बाद आपस में रंग डालकर पर्व का आनंद लिया। लोगों ने सूखे व गीले रंगों की होली जमकर खेली। शहर के पड़ाव माधोगंज, कोतवाली, इंदरगंज और झांसी रोड सहित सभी थानों पर पुलिस की होली का अनूठा नजारा देखने को मिला। मराठा सोशल ग्रुप द्वारा होली के दूसरे दिन होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। शुपरी लिंक रोड स्थित निजी कॉलेज में आयोजित हुए होली मिलन समारोह में मराठा समाज के लोग और समाज सेवी मौजूद रहे, जहां सभी ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम का संचालन समाज सेवी बाल खंडे द्वारा किया गया। प्रतिवर्ष मराठा समाज सांप्रदायिक सद्भावना के रूप में होली मिलन समारोह गत 2 वर्षों से मनाता चला है। ये 3रा वर्ष है हमारा और इसमें सबसे खुशी की बात यह है कि बच्चों से लेकर 90 साल के बुजुर्ग भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं बड़े उल्लास के साथ। ये सांप्रदायिक सद्भावना के रूप में होली मिलन मनाने का ये उद्देश्य है कि समाज के अंदर एकता, सांप्रदायिक सद्भावना की भावना और राष्ट्र के प्रति समर्पण, तो ये सब उद्देश्य को लेकर एक दूसरे के साथ मिलना जुलना, एक दूसरे के दुख में शरीक होना, खुशी में शरीक होना और अपनी समस्याओं को यहाँ रखना। तो आज हमारा मुख्य रूप से जो उद्देश्य है उसमें नौजवानों के द्वारा किस प्रकार से काम, उनकी योजनाएँ, उनकी पढ़ाई लिखाई और बुज़ुर्गों का यहाँ पर जो मान सम्मान है वो भी होगा। सांस्कृतिक रूप में यहाँ कवि सम्मेलन और मुशायरे का भी आयोजन है, गीतों का भी आयोजन है। डबरा की दीदार कॉलोनी में उस समय सनसनी फैल गई जब एक ही परिवार के 3 लोगों की संदिग्ध मौत हो गई। मामले की जानकारी लगते ही पुलिस और FSL टीम भी मौके पर पहुंची और हत्या की गुत्थी सुलझाने का प्रयास किया। यहाँ माँ बेटी की हत्या सरिये से सिर पर वार कर की गई थी तो पिता अंदर के कमरे में फांसी पर झूलता मिला। हत्या किन कारणों के चलते हुई है यह अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। नगर की दीदार कॉलोनी में ब्रज मोहन गोस्वामी अपनी पत्नी सुधा गोस्वामी और 22 वर्षीय लड़की प्रगति के साथ निवास करता था। पड़ोस में ही उसके पिता निवास करते थे। सुबह पिता सब्जी देने घर पहुंचे तो घर अंदर से बंद था, तो उन्होंने मोहल्ले वालों की सहायता से घर का ताला तोड़ा और अंदर गए तो देखा की माँ बेटी बाहर वाले कमरे में लहूलुहान पड़ी थी। ब्रजमोहन अंदर वाले कमरे में फांसी पर झूल रहा था। तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची तो छानबीन में हत्या में प्रयोग किया गया सरिया कमरे में से बरामद कर लिया गया। मौके पर पहुंची FSL टीम ने भी हर एंगल से घटनास्थल की जाँच की।
पुलिस का कहना है कि हत्या ब्रजमोहन ने की है और बाद में स्वयं फांसी पर झूल गया। मृतका आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थी और उसकी 20 वर्षीय लड़की प्रगति का विवाह 17 अप्रैल को होना था। ब्रजमोहन के बारे में बताया जा रहा है कि वो टीवी मैकेनिक था और नशे का आदि था। दोनों के बीच रोज विवाद होता था। डेली घूम के आता हूँ, सब्जी लेके आता हूँ। इधर आवाज़ थी, कोई खुला नहीं। उधर से आया, चिल्लाया, अगर गेट को तोड़ के छोटा लड़का और वो भी आ गया, वो भी तोड़ के अंदर जाके देख। फिर क्या क्या लगा कहाँ मरे पड़े थी। हाल ही मैंने बोला पुलिस को फोन करो, पुलिस को फोन किया। क्या लगता है क्यों हत्या की गई है? कुछ लगे समझ में आ रहा है क्यों हत्या की गई है, किसने की है, कुछ जानकारी समझ में आ रही है? हत्या की गई है लड़के ने दोनों। क्या कारण मानते हैं, क्या वजह है? दोनों में झगड़ा होता था जी, बहू में लड़के में डेली होता, तू मैम होती थी। वो गाली उठता, दारू पी गाली उठता करता था, वो बोलती थी गाली उठता मंद, यही झगड़ा डेली होता, एक डेली होता था। इसी के चलते हत्या कर दी। ये सुबह 7:30 बजे फोन आया था कि उनके ब्रजमोहन की लाश टंगी हुई है, उनके पत्नी और बेटी मेरे काट के अवसर में छोटे से हाथ थोड़े हुए, जिस पर अभी आकर मर काम किया है, फिसल माटी भेज कर रही है। मर काम करते हैं, अभी इसको पेन के लिए भेज रहे हैं। प्रथम दृष्टि इनके घर वालों ने बताया, दरवाज़ा भी इन्होंने खुला है, बंद था घर वालों ने, मृतक के पिता ने और भाई ने। प्रथम दृष्टि में कलेश रहता था आपस में काफ़ी, उस बात को लेकर पति द्वारा सर कुछ हो रहा है, उनके दोनों की हत्या करके खुद ने सुसाइड कर लिया। सर बेटी की शादी थी कोई? हाँ, अभी 10 दिन 15 दिन बाद बेटी की शादी बता रहे हैं। होली के पावन पर्व पर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा भी अपने अपने निवास पर होली मिलन समारोह मनाते हुए शहर के लोगों को होली की शुभकामनाएं देते हुए रंग गुलाल भी लगाया। होली के मौके पर संभाग आयुक्त बीएम शर्मा द्वारा अपने निवास पर होली मिलन समारोह मनाते हुए जनप्रतिनिधियों, अधीनस्थ अधिकारियों और शहर के गणमान्य लोगों से भेंट कर होली की शुभकामनाएं दी। देखिए, मैं ग्वालियर में होली के त्यौहार को काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ और स्टूडेंट लाइफ से देख रहा हूँ। ग्वालियर में होली के त्यौहार पे जो दो नई परंपरा प्रारंभ हुई हैं, ये वास्तव में बड़ी अनुकरणीय है। पहली बात तो ये होलिका दहन जब होता था तो बहुत सारी वनस्पति को काट करके और लोग होलिका दहन करते थे। विगत 3 वर्षों से जिला प्रशासन, नगर निगम और यहाँ के स्वयंसेवी संस्थाओं ने जो लोगों में मानस डेवलप किया है कि हम पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना और होली का त्यौहार मना सकते हैं। और दूसरी बात कि जो पहले होली खेली जाती थी इसी ग्वालियर में, वो कीचड़ की, विभिन्न तरह के पेंट्स की, बहुत सारी रंग गुलाल आदि जो फेंके जाते थे, अब सूखी होली हो रही है। ये दो चीज़ें आने वाले समय के लिए बहुत अच्छी बात है और मैं ये मानता हूँ कि अब होली का त्यौहार एक कहना चाहिए इको फ्रेंडली त्यौहार हो गया है और पर्यावरण के प्रति लोगों में जागृति डेवलप हुई है। इसके कारण हमारे जो पेड़ पौधे हैं, जो लोगों को जो पेंट्स लगाने से जो परेशानियाँ होती थी, उन सब से हम बच रहे हैं और होली का त्यौहार इसी तरह से मनाया जाना चाहिए। मैं आज के अवसर पर पूरे नगरवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वहीं कलेक्टर अनुराग चौधरी द्वारा भी होली के मौके पर अपने बंगले पर होली मिलन समारोह मनाया गया और लोगों को रंग गुलाल लगाकर होली के पावन पर्व की शुभकामनाएं भी दी। आप सभी जानते हैं कि होली रंगों का त्यौहार है
और सभी की ज़िंदगी में रंग रहते हैं, इसलिए इस बार बहुत अच्छी पहल ग्वालियर ज़िले में सभी नागरिकों ने की है कि कंडों का यूज़ किया है, और दूसरी ओर हर्बल गुलाल का चलन भी बढ़ा है। हम बस यही सभी लोगों से आह्वान करना चाहेंगे कि कई बार छोटे बच्चे भी रहते हैं जिनकी आंखों में केमिकल रंग वगैरह चले जाते हैं, और किसी कोई ये होली के त्यौहार में किसी की ज़िंदगी से रंग गायब ना हो, तो केमिकल रंगों से बचें और छोटे बच्चों और इन सबको साथ थोड़े और वैसे आप अगर सब लोग पेश आएंगे तो अच्छा रहेगा, और सभी ग्वालियर ज़िले के सभी नागरिकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ग्वालियर नगर निगम के निवर्तमान आयुक्त विनोद शर्मा द्वारा भी होली के पावन मौके पर होली मिलन समारोह मनाते हुए लोगों से भेंट कर होली की शुभकामनाएं दी गई। संभाग के सभी नागरिकों को होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सभी से मेरी अपील है कि होली परस्पर भाईचारे के साथ, पूरे सौहार्द के साथ, पूरे स्नेह बंधन के साथ और सुरक्षा अपनाते हुए मनाई जाए। मैं आभारी हूं कि अधिकांश लोगों में ये जागरूकता पैदा हुई है कि इस बार लकड़ी के बजाय कंडों का उपयोग किया है, एक अच्छी पहल है और धीरे धीरे से पर्यावरण की सुरक्षा की दृष्टि से इसमें सुधार होगा। यही मेरी अपील है, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएँ। पूर्व मंत्री माया सिंह के निवास पर भी गुरुवार को होली मिलन समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां माया सिंह और ध्यानेंद्र मामा सहित भाजपा नेताओं द्वारा सभी को होली के पावन पर्व की शुभकामनाएं दी गई। होली का आज त्यौहार हम लोग बड़े सब एक दूसरे के गले मिलकर, और बहुत सारे ऐसे भी ग्रामीण अंचल के लोग जिनको कि बहुत लंबे समय से मिले नहीं थे, आज होली के दिन वो भी सब सुबह सुबह से उनके साथ मिलना जुलना हुआ, सबके साथ होली की शुभकामनाएं। यानी ये त्यौहार एक ऐसा त्यौहार है हमारा जो सारे गिले शिकवे मिलाकर गुले एक दूसरे के गुलाल लगाते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं बधाई देते हैं। ये हमारे जो भारतीय संस्कृति है उसकी जितनी मैं तारीफ करूं कम है। हर त्यौहार हमारे लिए कुछ न कुछ एक अच्छा संदेश लेकर आता है, और होली का त्यौहार भी इसी तरीके से हम एक दूसरे के साथ मिलकर बड़े सौहार्द से समरसता के इस त्यौहार को मनाते हैं। मेरी तरफ से सभी को होली की शुभकामनाएँ, और आने वाले समय में हम सब मिलकर समाज के लिए, प्रदेश के लिए और देश के लिए अच्छा करें, यही हम सबका। मुरैना सांसद अनूप मिश्रा के निवास पर भी होली के मौके पर उनके समर्थकों की खासी भीड़ देखने को मिली, जहां सांसद अनूप मिश्रा द्वारा अपने समर्थकों और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ होली खेली गई। मित्रों, होली रंगों का त्यौहार है, होली राग द्वेष से दूर रहने का त्यौहार है, होली दिलों को मिलाने वाला त्यौहार है। आज हम सब इस होली के पावन पर्व पर रंगों की होली खेल रहे हैं। बस यही कामना करता हूँ कि पूरा का पूरा ये रंग हमारे जीवन में खुशियाँ लाए, हमारा जीवन भी इसी तरह रंग बिरंगा हो, पूरे प्रदेश को, ग्वालियर संभाग के आम जन को इस पावन पर्व पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, और प्रभु से यही कामना करता हूं कि सब लोग निरोगी रहें, सुख समृद्धि से भरपूर हों। यही होलिका माता से प्रणाम करके, जिस तरह उन्होंने प्रह्लाद को बचाया था, ऐसे हमारे आम जन को बचाने का काम करें। कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक के निवास पर भी गुरुवार को होली मिलन समारोह धूमधाम के साथ मनाया गया, जहां बड़ी संख्या में पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा विधायक को टीका कर होली की शुभकामनाएं दी गईं।
चैनल के माध्यम से रंगों के इस पर्व होली पर सभी शहरवासियों को हार्दिक अनंत आत्मिक शुभकामनाएं देता हूं। और ये बोलना चाहता हूं कि ये जो त्यौहार है ये मनभेद और मतभेद दोनों को मिटाने का त्यौहार है और इसके बाद से जीवन में सकारात्मकता की शुरुआत होती है। तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि हम लोग सभी आपस में भाईचारा रखें, अपने आपसी मनभेद और मतभेद को मिटाकर शहर के, प्रदेश के और देश की खुशहाली के लिए अपने कदम सकारात्मक तौर पर बढ़ाएं। पूर्व महापौर समीक्षा गुप्ता द्वारा भी होली के मौके पर शहरवासियों को होली की बधाई देकर अपने निवास पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने पूर्व मेयर को रंग और गुलाल लगाया। आपके माध्यम से पूरे नगरवासियों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूं और ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूं कि जैसे बहुत सारे रंग एक साथ मिलकर मेल मिलाप का बहुत बड़ा त्यौहार ये है, पावन पर्व है, तो हम सब मिलकर रहें और समाज में संदेश यही है क्योंकि होली ज़रूर खेलें क्योंकि हमारे पारंपरिक त्यौहार हैं ये, और इनके साथ साथ खुद की देखभाल करें क्योंकि बच्चों के साथ हम कई बार आँखों में गुलाल जाने से बहुत बड़ी घटनाएँ हो जाती हैं, तो खुद का ख्याल रखते हुए होली जरूर खेलें। इस पावन त्यौहार पर आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। होली के मौके पर दाल बाजार व्यापार समिति द्वारा रासलीला का आयोजन किया गया, जहां व्यापारी बंधुओं द्वारा जमकर गुलाल और रंग उड़ाकर लोगों को होली की शुभकामनाएं दी। वहीं होली के पावन पर्व पर सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस महकमा भी पूरी तरह अलर्ट रहा और जगह जगह चेकिंग पॉइंट बनाकर नशा कर हुड़दंग करने वालों की तलाशी ली गई और लोगों से सुरक्षित होली खेलने की अपील की गई। पूरे शहर में चाक चौबंद व्यवस्था है, पर्याप्त फिक्स पिकेट लगाए गए हैं, मोबाइलिंग हो रही है लगातार, सभी लोग भ्रमण कर रहे हैं ताकि लोग अच्छे तरीके से होली मनाएं। और सबसे ये अपील भी है कि होली के त्यौहार को अच्छे से मनाएं, उत्साह से मनाएं, लेकिन अति उत्साह से न मनाएं। तीन तीन सवारियां बैठ के चलती हैं तो उन लोगों को हम रोक रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। इसी तरह से यदि कोई नशीली पदार्थ का सेवन करता है तो उस पर भी कार्रवाई कर रहे हैं। तो सबसे यही अपील है कि शांतिपूर्वक त्यौहार को मनाएं और पुलिस व्यवस्था पर्याप्त लगी हुई है और लगातार सब लोग भ्रमण कर रहे हैं। हाँ हाँ, लगातार हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश हैं तो चार पहिया वाहन और जो तीन सवारी चल रही है बाइक पर, उन पर सबको चेकिंग कर रहे हैं लगातार। कांच मिल इंडस्ट्रियल एरिया में बुधवार रात गत्ते और प्लास्टिक का दाना बनाने की फैक्ट्री में आग लगने के बाद फैक्ट्री मालिक और आसपास के लोग फायर ब्रिगेड बुलाने आधा घंटे तक फोन लगाते रहे। फोन नहीं उठा तो फैक्ट्री मालिक मनीष अग्रवाल खुद ही फायर ब्रिगेड ऑफिस पहुंचे। उनके सामने ही स्टाफ ने गाड़ियों में पानी भरा और तीन गाड़ियां रवाना कर दी। जल्दबाजी में इनमें से एक गाड़ी खाली ही भेज दी। फायर ब्रिगेड अमले की इस लापरवाही की वजह से आग पूरी फैक्ट्री में फैल गई। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां कम पड़ गईं तो महाराजपुरा से एयरफोर्स की फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। मैं बगल में रहता हूँ, गोदाम के बगल से ही फायर ब्रिगेड वालों को फोन किया तो दो घंटे बाद फायर ब्रिगेड आई और दो फायर ब्रिगेड आई तो उसमें पानी नहीं था। टीआई साहब खुद मौजूद थे, वो ही मेहनत कर रहे थे उसमें, और जे किले आलोक परियार जी मलगढ़ा थाने के टीआई साहब हैं वो थे, उन्होंने खुद मेहनत की और गाड़ी पे कोई भी स्टाफ नहीं गाड़ी पे, जो गाड़ी है उन पर पानी बिल्कुल खाई नहीं। वो खुद टीआई मेहनत कर रहे हैं, अपने हाथ से कंधे पे रख के ले हम चला रहे हैं। आई नहीं, एक घंटे दो घंटे हो गए हम फोन लगाते बोले यार यार आई नहीं। पन्नी गोदाम कहलाता है, रेशम मिल एरिया है, यहाँ पे गोदाम है जिसमें कुछ प्लास्टिक इसके गद्दे फोम के उसका एक गोदाम था, कुछ यहाँ पशु आहार का एक गोदाम था,
इनमें आज सूचना मिली थी, एक घंटे से ज़्यादा समय हो गया और हमारे TI अजीरा आलोक सिंह तुरंत पहुंच गए थे और फायर ब्रिगेड्स कॉल हुई हैं, उसके बाद बुझाने की कोशिश जारी है। अभी ये जांच का विषय है, अभी तो पहली प्राथमिकता है कि ये आग बुझा दी जाए, उसी में सब लोग लगे हुए हैं। और अब हमें दीजिए इजाज़त, आप बने रहिए इंडिया खबर लाइव के साथ। नमस्कार।